वहीं जीआईएस 2023 को लेकर योगी सरकार का कोलकाता में आज रोड शो। हजारों करोड़ के निवेश प्रस्ताव मिलने की उम्मीद है। औद्योगिक मंत्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी के नेतृत्व में टीम पहुंची मुंबई, चेन्नई और दिल्ली के बाद कोलकाता में रोड शो। देश से 16 देशों से 7,12,000 करोड़ का निवेश मिला है। इसके अलावा मुंबई से 5,00,000 करोड़ और दिल्ली से 2,75,000 का निवेश भी मिला है। इसके अलावा 15,00,000 करोड़ से ज्यादा का निवेश प्रस्ताव मिल चुका है। वहीं लखनऊ के मंडलायुक्त डॉक्टर रोशन जैकब, डीएम सूर्यपाल गंगवार और एलडीए की वीसी इंद्रमणि त्रिपाठी ने इन्वेस्टर समिट की तैयारियों का जायजा लिया। तीनों अधिकारियों ने पाको स्मारकों में चल रहे सौंदर्यकरण के काम, पॉलिशिंग और पेंटिंग के काम का निरीक्षण किया और जनवरी में ही काम खत्म करने के निर्देश भी दिए। बिजनेस लोन के लिए बैंक गए तो बिजनेस प्लान दिखाइए करके पूछते हैं। बिजनेस प्लान कैसे करना है, इसे प्रैक्टिकली सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। उधर मुख्यमंत्री मिशन रोजगार योजना के तहत राजधानी लखनऊ के अलीगंज में रोजगार मेले का शुभारंभ हो गया है। आईटीआई परिसर में व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने उद्घाटन किया। रोजगार मेले में 108 कंपनियां भाग ले रही हैं, जो बेरोजगार युवाओं को 13,000 से ज्यादा रोजगार देने का काम करेंगी। इन कंपनियों में काम करने वालों का वेतन 8,000 से 45,000 रुपए प्रति माह होगा। अभ्यर्थी की आयु सीमा 18 से 45 साल होनी चाहिए। शैक्षणिक योग्यता हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, आईटीआई, डिप्लोमा आदि होगी। उधर लखनऊ में यूपी एसडीएम 10,000 लड़कियों को देगा ट्रेनिंग। पायलट प्रोजेक्ट के तहत सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी जाएगी। 16 शहरों में 10,000 लड़कियों को ट्रेनिंग दी जाएगी। कौशल विकास मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने शुरुआत की है। वहीं लखनऊ में कांग्रेस के मीडिया संयोजक ललन कुमार पर एफआईआर हुई है। बीजेपी नेता शैलेंद्र कुमार शर्मा ने एफआईआर दर्ज करवाई है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का एडिटेड वीडियो ट्वीट करने का आरोप लगा है। ललन कुमार के ट्विटर हैंडल से 13 जनवरी को ट्वीट किया गया 3 सेकंड का एडिटेड वीडियो धोखाधड़ी, जालसाजी, आईटी की धाराओं में हजरतगंज कोतवाली में एफआईआर दर्ज हुई है। और अब बात गाजीपुर की करते हैं, जहां माफिया मुख्तार से जुड़ी बड़ी खबर ये कि आज एमपी एमएलए कोर्ट में मुख्तार अंसारी की पेशी होगी। 10 जनवरी को नहीं हो पाई थी पेशी। मुख्तार की पेशी कोर्ट ने पेश होने के लिए आज की तारीख दी है। उसरी चट्टी कांड मामले में मुख्तार की पेशी होनी है। ब्रजेश सिंह की पेशी हो चुकी थी, लेकिन अब माफिया मुख्तार को भी कोर्ट में आज पेश किया जाना है। ये बता दें आपको, बीती 10 जनवरी को पेश होना था मुख्तार को, लेकिन ज्यादा फॉग के कारण और सुरक्षा लिहाज से पेश नहीं किया गया था। और आज अब कोर्ट ने एक बार फिर से आदेश दिए हैं, आज मुख्तार की एमपी एमएलए कोर्ट में पेशी होनी है, जहां उसकी उसरी चट्टी कांड में गवाही होगी। और अब बात मथुरा की कर लेते हैं, जहां श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में सुनवाई आज होगी। 13.37 एकड़ भूमि से जुड़े मामले में सुनवाई की जाएगी। सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में सुनवाई होगी। प्रतिवादी पक्ष कोर्ट में अपना पक्ष रखेगा, अपनी दलील रखेगा। मुस्लिम पक्ष ने याचिका को गलत बताया है। उधर प्रयागराज में हाईकोर्ट ने अभिभावकों को दी बड़ी राहत। कोरोना काल में ली गई स्कूल फीस 15% माफ होगी। भुगतान की गई फीस आगे स्कूलों को करनी होगी एडजस्ट। स्कूल छोड़ चुके छात्रों को 15% फीस वापस करनी होगी। कई याचिकाकर्ताओं ने कोविड काल की फीस माफ करने की मांग की थी। हाईकोर्ट ने प्रदेश भर के स्कूलों को लेकर
निर्देश जारी कर दिए। सत्र 2020 से 21 के लिए हाईकोर्ट ने आदेश जारी किए। कोर्ट ने कहा है कि सत्र 2020 से 21 मिली गई पूरी फीस में 15% फीस अगले सत्र में एडजस्ट करनी होगी। वहीं लखीमपुर खीरी में रहस्य में बुखार का कहर देखने को मिला है। 10 दिन में एक ही मोहल्ले में 6 बच्चों की मौत का आरोप लगा है। कई बच्चे बुखार से पीड़ित हैं। लोगों का स्वास्थ्य विभाग पर लापरवाही बरतने का आरोप लगा है। मोहम्मदी कोतवाली के वार्ड नंबर 24 का यह पूरा मामला है। लोगों का आरोप है डीएम और सीएमओ को सूचना दी गई है। जिला मुख्यालय से डॉक्टर्स की टीम नहीं पहुंची है। वहीं सीएमओ ने 5 मौत की पुष्टि की है। उन्होंने कहा साफ सफाई की व्यवस्था की जा रही है, टीकाकरण भी किया जा रहा है, सैंपल लेकर जांच की जा रही है। गंदगी की वजह से बीमारी होगी। मेरा नाम गुड्डू है, लड़की का नाम आयत है, 3 साल की थी और टीका एका भी नहीं लगा, बीमार थी, उसको बुखार उखार आया, कोई टीम नहीं दरवाजे पे आई, कोई डॉक्टर नहीं आए और ख़त्म हो गई सुबह। ये ऐसा है, मोहम्मदी जो हमारा ब्लॉक है उसमें सरैया इलाके में मौत की खबर हमें मिली थी परसों, तो उसके बाद से जो है हम लोगों ने डोर टू डोर विजिट भी कराई है और वहाँ पे टीकाकरण भी चल रहा है और जो 5 लोगों की मौत की तो जो है हमें कंफर्म हो पाए हम लोग। और ये जो मौतें हुई हैं ये पिछले 2-3 हफ्ते के अंदर में हुई हैं। वहाँ पे लोगों का ये कहना था कि साहब खसरा है, तो खसरे के तो लक्षण मिले नहीं हैं बच्चों में। उधर लखनऊ में आतंकी हमले के अलर्ट के बाद पुलिस का अलर्ट, सभी आने जाने वाले रास्तों पर पुलिस तलाशी ले रही है। सभी बड़े चौराहों पर पुलिस और पीएसी तैनात हुई है। हाई सिक्योरिटी जोन में धारा 144 लागू की गई है। होटलों में रुकने वालों की तलाशी ली जा रही है। तो हाई सिक्योरिटी जोन में धारा 144 लगा दी गई है। होटल में रुकने वालों की भी तलाशी जो है वो शुरू कर दी गई है। जो लोग होटल्स में रुक रहे हैं उनको तलाशी ली जा रही है, आईडी प्रूफ लिए जा रहे हैं। ये बता दें आपको, आतंकी हमले के अलर्ट के बाद यहां पर ज्यादा सतर्कता बढ़ती जा रही है। राम मंदिर के खिलाफ बड़ी साजिश का खुलासा हुआ। राम मंदिर पर फिदायीन हमले की साजिश रची रही गई। इस इनपुट के बाद से ही राम मंदिर की सुरक्षा कड़ी कर दी गई है और खुफिया एजेंसियां अलर्ट हो गई हैं। तो राम मंदिर पर फिदायीन हमले की जैसे ही जानकारी मिली है उसके बाद से यहां पर सुरक्षा और चाक चौबंद कर दी गई है। बिजनेस लोन के लिए बैंक गए तो बिजनेस प्लान दिखाइए करके पूछते हैं। बिजनेस प्लान कैसे करना है, इसे प्रैक्टिकली सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।